दोस्तों, आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे अचूक नुस्खे के बारे में जिसके करने के बाद अगर किसी मेरे दोस्त के साथ ब्लॉकेज की समस्या है, यानी उनका दिल कमजोर है, नसों में ब्लॉकेज हो गई है, उन्हें थकान होने लगती है और कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है और हमेशा ये डर रहता है कि कभी मुझे अटैक ना आ जाए, एक ही दिन में हॉस्पिटल में लाखों रुपए आपके लग जाएंगे और आपकी जान बचेगी ना बचेगी, वो सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे में जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा वो बना बनाए आपको मार्केट से मिल जाएगा, हर कोई इस नुस्खे को कर सकता है और कम कीमत पर ये नुस्खा तैयार हो जाता है। तो आपको सबसे पहले बताता हूँ आप कौन कौन सी गलतियां ना करें जिसके कारण से आपका दिल कमजोर हो जाएगा और ब्लॉकेज की समस्या आ जाएगी। आप रिफाइंड तेल, सोयाबीन तेल और वनस्पति घी का इस्तेमाल ना करें सब्जियां बनाने के लिए। अगर आप ऐसा करोगे तो ब्लॉकेज की समस्या 100% आएगी और आपका दिल भी कमजोर हो जाएगा और आगे चलकर अटैक 100% आपको आएगा ही आएगा। तो आप इन सभी तेलों को और इस घी को घर से बाहर फेंकें। आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें जो कि कच्ची घानी का है, पतंजलि स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा। या आपकी आंखों के सामने कोई कोलू लगाता है जो सरसों के बीजों से सरसों का तेल निकालता है, तो आप वहां से भी सरसों का तेल ला सकते हो जो कि कच्ची घानी का आपको मिलेगा। और दोस्तों, दूसरा सबसे अच्छा तेल है गोले का तेल, उसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी मेरे दोस्त के साथ या माता बहन के साथ थायराइड की समस्या है तो गोले का तेल उनके लिए सबसे अच्छा है। खाना उससे जरूर बनाए गोले के तेल से। तो आप इन दोनों तेलों में से किसी एक तेल का इस्तेमाल करें वो सबसे अच्छा है। जो फिल्टर्ड वाले और जितने भी रिफाइंड ऑयल है वो सब के सब आप इस्तेमाल ना करें, घर से बाहर फेंक दें। और इसके बाद आती है बात नमक की। जो समुद्री नमक होता है वो आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द और शरीर के अंदर कमजोरी लाता है सफेद नमक, और यहाँ तक कि आपकी हड्डियों को बिल्कुल अंदर से खोखला कर देता है। तो समुद्री नमक की जगह आप चिंदे वाले नमक का इस्तेमाल करें जो कि पत्थर के रूप में आता है। आप उसे पीसा पीसा भी मार्केट से ले सकते हैं या घर पर लाकर आप उसे पीस कर उसका पाउडर बना लें। स्वाद अनुसार आप रोजाना सब्जी में उस नमक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, जो सेंधा नमक है उसके अंदर 84 गुण है और जो समुद्री नमक है उसके अंदर 3 गुण है। तो आप खुद डिसाइड करें आपको कौन से वाले नमक का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने पत्थर वाले नमक का इस्तेमाल करा है और 80 नंबर की उम्र तक जोड़ों में, कमर में कभी भी दर्द नहीं आया, हमेशा स्वस्थ रहे हैं। उस समय का खान पान अच्छा था ये मैं मानता हूँ, लेकिन नमक का भी एक बड़ा रोल है आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में। तो आप पत्थर वाले नमक का इस्तेमाल करें। और लास्ट में आती है बात खाना खाने के बाद पानी पीने की। आप खाना खाने से 20 मिनट पहले पानी पी सकते हो, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पी सकते हो, कम से कम खाना खाने के बाद आप 40 मिनट तो इंतजार जरूर करें। जब 40 मिनट हो जाए उसके बाद आप पानी पी सकते हो और पानी आपको घुट घुट कर पीना है। अगर आप ओख लगाकर पानी पीते हो वो सबसे बेस्ट है, तो आप घुट घुट कर पानी पिए वो सबसे बेस्ट है। और खाना खाने के बाद पानी आप कभी ना पिए। अगर आप ऐसा करते हो जो खाना आपने खाया है वो खाना कूड़े में बदल जाएगा और दुनिया भर की बीमारी आपको देगा और हार्ट ब्लॉकेज की समस्या भी इस कारण से बढ़ती है। दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ नुस्खे की ओर। नुस्खा आपको बना बनाया पतंजलि स्टोर पर मिल जाएगा। आपको सिंपली पतंजलि के स्टोर पर जाकर कहना है लौकी आंवला का सवरस दे दे जिसके अंदर तुलसी और पुदीना है। इस सवरस के अंदर लौकी की जो मात्रा है वो 50% के करीब है और जो आंवला है उसकी मात्रा भी 50% के करीब है। आपको सिंपली इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको एक खाली गिलास लेना है, उसके अंदर 100 ml पानी डालना है। उसके बाद आपको 2 से 3 ढक्कन इस सवरस के डालने हैं। पहले आपको इस बोतल को बिल्कुल अच्छे से हिलाना ताकि जो सवरस है वो बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। 2 से 3 ढक्कन इस सवरस के आप पानी के अंदर डाल दें, चम्मच की मदद से बिल्कुल अच्छे से मिला दें। सुबह खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको इस सवरस को पीना है और इस सवरस के पीने के बाद जब आपको 1 घंटा हो जाए जो भी आप खाना पीना चाहते हो आप खा सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है, बस आपको खाना खाने से पहले पीना है। आप इसे सुबह भी पी सकते हो, आप इसको रात को भी पी सकते हो, हर कोई इसे पी सकता है। ये 100 रुपए मात्रा में आपको पतंजलि स्टोर पर मिल जाएगा, लाखों रुपए आपके बच जाएंगे। जो घिया होती है जितनी भी ब्लॉकेज होती है उन्हें खत्म करने में मदद करती है और इसके अंदर जो आंवला है वो आपकी स्किन प्रॉब्लम को ठीक करता है, हेयर की प्रॉब्लम को ठीक करता है। इन दोनों के मिक्सरन से हार्ट हमेशा स्वस्थ रहता है। जो हार्ट अच्छे से काम करेगा तो आप हमेशा स्वस्थ रह पाओगे। दोस्तों, एक ही दिन में लाखों रुपए लग जाते हैं अगर आप इस सवरस का रेगुलर इस्तेमाल करोगे। हफ्ते में 3 से 4 दिन इस सवरस को पियोगे तो आपको साल भर चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अटैक आएगा। सिंपली आप इस जूस को पिए, हमेशा स्वस्थ रहें। अब मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ ये बनने के बाद कैसा दिखता है। दोस्तों, मैंने एक गिलास लिया है, आप देख सकते हो इतनी मात्रा में इसके अंदर पानी है। आपको सिंपली इतना ही पानी लेना है और दोस्तों 2 से 3 ढक्कन सवरस के इस पानी के अंदर डालने, फिर चम्मच के अंदर से बिल्कुल अच्छे से मिलाने। अब मैं आपको मिलाकर दिखाता हूँ कि सवरस बनने के बाद कैसा दिखता है। दोस्तों, ये सवरस बिल्कुल बनकर तैयार है, मैंने चम्मच की मदद से बिल्कुल अच्छे से मिला दिया है। आप देख सकते हो इसका कलर कैसा है। आपको सिंपली रोजाना इस सवरस को पीना है और आप हमेशा
हेल्थी रहोगे और दिल से जुड़ी कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में मदद करता है और साथ के साथ अगर आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो गई है तो उसे पूरी करने में मदद करता है, कब्ज की समस्या उसे ठीक करता है। और दोस्तों ये सबरस भूख बढ़ाने में मदद करता है, वीर्य दोष को दूर करता है, कब्ज की समस्या ठीक करता है। तो 100 रुपए की बोतल से जो सबरस की है लौकी की, दुनिया भर के फायदे हैं। दोस्तों आप इस सबरस को घर पर लेकर आएं और रोजाना इसका सेवन करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, साथ के साथ सब्सक्राइब के लाल बटन को जरूर दबाएं। और दोस्तों मैं जल्द ही मिलता हूं आपसे मेरी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।